तो गाइस ये लोग भागते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। रेत में फंसी हमारी फॉर्चूनर, देखो यार पूरे पूरी रेत में फंसा हुआ है अरविंद भाई अकेले यहाँ पे। गाइस एक सरप्राइज है, कमाल की चीज। अभी देखो 7:17 हुए हैं और तारीख आज 22nd। अनिल घर जा चुका है और घर पे है भाई की शादी। बेसिकली अभी तक सीन ये हो रखा था कि मेरे को शादी में जाना ही नहीं था, लेकिन अभी मैंने एक बार ऐसे एक इंसान को पूछा कि चलो शादी में चलते हैं, चलोगे क्या? तो इस करते करते पूरी लाइन बन गई, 5-7 लोग 10 लोग हो गए, वो बोल रहे हैं कि हमको भी चलना है, सारे साथ में चलते हैं। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ से एक स्कॉर्पियो ली है और एक हमारी नेक्सोन है, हैरियर ऑलरेडी अनिल लेके जा चुका है, तो हम ये 2 गाड़ियां यहाँ से उठाएंगे और 8-10 लोग ऐसे जाके सरप्राइज देने वाले हैं। वहां पे किसी को कुछ नहीं पता कि हम आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं पता है। और इतने लोगों को वो ऐसे कार्ड देते हैं सहपरिवार, इस बार इनको दिखाएंगे कि सहपरिवार होता क्या है। यहां से अलग से एक परिवार लेके जा रहे हैं। तो हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे अराउंड 11 o'clock। सबसे पहले हमको वो जूम कार से जो गाड़ी ली है वो हमको उठानी है, विच इज स्कॉर्पियो एन। तो आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए एक बार सबसे पहले जाके फ्रेशअप हो जाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं एंड देन विल स्टार्ट। तो गाइस हमने व्हाइट वाली गाड़ी को रेडी कर दिया है, उसमें 4 लोग जा रहे हैं, एक ये ब्लॉगर, एक सूरी, एक विनोद और एक अफजल। हाँ तो ऐसे 4 लोग हैं। हमारी जब फॉर्च्यूनर आ जाएगी हम यहाँ से निकलते हैं, तुम लोगों को रेवाड़ी में गाड़ी 4 लगानी है और उसके बाद हम सारे साथ में हो जाएंगे, फिर चलेंगे ठीक है। नीचे जाके उनको दिखा दो गाइस, अभी हम नीचे जा रहे हैं सारा अपना सामान रखने। दोस्तों ऑल सेट, सारे बंदे मिल चुके हैं। अभी मैं, अफजल भाई, विनोद और सूरी भाई अभी हम जा रहे हैं रेवाड़ी, अरविंद भाई और बाकी के लोग हमें वहीं मिलेंगे। हम लोग तो निकल चुके हैं उनसे पहले 2:42, ऑलमोस्ट तीन घंटे लगेंगे। अभी भाई वहां से निकलने वाले होंगे। देखो गाइस ड्राइवर चेंज हो चुका है, फास्टैग बनाने के लिए हमने गाड़ी रोकी थी, फास्टैग बनाने का 1000 रुपए ले रहे हैं भाई, लूट मची बढ़िया हर जगह, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये फोन पकड़, गाड़ी तो स्टार्ट हुई ही नहीं। ओ भाई देखो ये बढ़िया चीज है, देखना गाड़ी फॉर्च्यूनर। ये भाई ये अब साला हम पहुंचे थे, नहीं पहुंचे बारात के टाइम पे, लेकिन बकचोदियां पूरी हो जाएंगी। देखो भाई जितने मैंने वर्ड्स बोले थे उनमें से आधे मैं वापस लेता हूँ। रोड प्रेजेंस तो देखो है, और साथ ही में जो चीज अच्छी है वो है भाई परफॉर्मेंस, चलाने में मजा है भाई, नेक्स्ट लेवल मजा है, टोयोटा सॉरी। और अभी हमको ना बेसिकली हम यहाँ पे रुके हुए हैं एक टोल नाके के आगे, ये जो फास्टैग है वो किसी ऐसे ही रेंट पे लेके गया होगा, उसने लगा रखा है तो वो ब्लॉक है। अभी हम दूसरा फास्टैग बनाएंगे भैया से, कि जितने भी टोल होते हैं ना, सिस्टम क्या है यहाँ का कि अगर आपके पास ये फास्टैग काम नहीं कर रहा है तो आपको डबल पैसे पे करने पड़ेंगे बाई कैश, कितने में ही करेंगे, बेटर है ये बनवा लिया जाए, यहाँ से बनवा के फिर निकलेंगे। राजस्थान ना इसलिए अच्छा लगता है, तुम कमा लो जिंदगी में जितना कमाना है, जितना तुमको एनर्जी वाले दिन दिखाने अपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कर लो, और उसके बाद ना राजस्थान में ना मैं आता हूँ ना जहाँ से, वैसी जगह जाके तुम अपनी बाकी लाइफ बिताओ, तुम्हें गोवा से ज्यादा मजा आएगा वहाँ सच में, वहाँ और शांति भरी लाइफ है। 2:15 पहुंच जाएंगे मेरा वादा है। तो सूरी गाड़ी नहीं चला रहा, पर सूरी का वादा है कि सूरी हमें 2:15 तक रेवाड़ी पहुंचा देगा। तो अभी आप यहाँ से टाइम लैप्स एंजॉय करो। अभी हम रेवाड़ी पहुंच चुके हैं, अरविंद भाई का घर यहाँ से 188 किलोमीटर रहा है और वो भी हमसे 2 किलोमीटर पीछे है। ऑल दो हमने 4 लगा रखी है गाड़ी, वो हमसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम उन्हें पहुंच जाएंगे। अभी मौसमी का जूस पिया है। तो गाइस अभी लेटेस्ट ये है कि हमारी गाड़ी की बैटरी हो गई थी थोड़ी सी लो और हमें स्टेशन मिल नहीं रहे थे, बट फाइनली हमें मिल गया और अभी हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है, 80% हो गई है। 20-25 मिनट और रुकना है, उसके बाद फिर हमें जाना है नवलगढ़। कहाँ पे जाना है? नवलगढ़। राजस्थान वालों को सबको पता है, अगर कोई राजस्थान से है तो कमेंट कर दो। ये लगा हुआ पता नहीं किससे बात करने लगा हुआ, आशिक को आशिक पकड़ा गया है यहाँ पे वो मीम लगा देना कि तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं। तो गाइस अभी फिर हमें नवलगढ़ जाना है, वहीं पे अरविंद भाई वगैरह सारे लोग उतर ही हैं, उनसे मिलेंगे वहाँ पे, कुछ खाएंगे, उसके बाद सीधा शादी में मिलते हैं। पता है हमने फॉर्च्यूनर इतनी चलाई भगाई, कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही गांव के बीच में लाके बंद कर दी ना, वो बंद ही हो गई, लाइट ही नहीं आई उसमें, बैटरी से तार ही अटक गई। तो भाई गाड़ी में बची है चार्जिंग 4% और यहाँ पे हमें गांव में बड़े अच्छे लोग मिले। अंकल जी के घर पे हमने ना कपड़े चेंज करे,
क्योंकि हम वहाँ से ढंग के कपड़े नहीं पहन के आए थे और उसके बाद पता चला कि ये गाड़ी अभी इस गाड़ी में प्रॉब्लम है। ये 14% चार्ज थी, 14% चार्ज के बाद डायरेक्टली 4% आ गई है, मतलब लास्ट की जो 10% है ना वो इसमें पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें अगेन अर्थिंग की प्रॉब्लम आती है। ऑल्दो आप किसी भी प्लग से कनेक्ट कर सकते हो इसको, जैसे गीजर का प्लग हो गया, एसी का प्लग हो गया, लेकिन उसके लिए अर्थिंग लगेगी तब ये गाड़ी चार्ज लग सकती है। तो अगेन अंकल जी हेल्प तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमको अर्थिंग चाहिए होगी। अनिल है भाई अपने साथ, मास्टर व्हील लगा हुआ है, ये यहाँ पे अर्थिंग हो रही है इससे, अब होपफुली हो जानी चाहिए ना। अभी देखते हैं हम एक बार लगाते ही क्या सीन रहता है। ओ लग गई, नहीं कनेक्टेड लग गई। ओ मिशन सक्सेसफुल, थैंक यू सो मच अंकल जी। अंकल जी बहुत अच्छे हो आप, चलिए अभी शादी में चलते हैं। ये बोला था कि मैं फॉर्च्यूनर चलाऊंगा, पहले ये तो देख लो स्टार्ट है। ये ढीला पड़ा है यार, ढीला पड़ा है ये। सलमू मिस्त्री आ गया ना भाई, अब ठीक है। अनिल अब करो भाई, सलमू मिस्त्री यस, ये देख सलमू भाई, सलमू। अरे भाई, तो गाइस ये है हैरियर, वो है फॉर्च्यूनर, सामने गाड़ी तीसरी चार्ज लग चुकी है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। अभी यहाँ से चलते हैं बारात में। राजस्थान में शादी कितनी जल्दी होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं 26 इयर्स का हूँ अभी, जिसकी शादी हो रही है वो मुझसे 2 साल छोटा है, वो 24 साल का अभी। गवर्नमेंट वाले में तो नहीं आ जाएगा ना, वो तो 21 साल के ऊपर ही है ना। ठीक है, अपने ही भाई की लंका लगा दूंगा बाद में इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर दूंगी, देखो गाइस जाके देखो इस लोग को, हम गए थे भाई की शादी। चलो आपको मैं अभी उतर के दिखाता हूँ सब कितना तैयार हुए, और सबसे खतरनाक तो आकांक्षा को देखना भाई, वो बढ़िया तैयार हुई है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं शादी वाली जगह पे, पटाखा अभी छूटा था, अभी बंद हो गया यार, सिर्फ धुआं हो गया। यस 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 गाइस, इससे पता चला है कि शादी है नहीं थे। फाइनली भाई ये भी यहाँ पर है शादी। अरे भाई 5 घंटे के सफर के बाद, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 7 घंटे भाई, तू तो 17 घंटे बोल, कल रात से मीटिंग में चल रहा है हम तो अभी तक। आकांक्षा उतर नहीं रही है, भाव खा रही है। आकांक्षा को डर है कहीं यही ना लगा दे फूल के साथ। जो है स्वागत के लिए, क्या हाल है? बढ़िया तो भाई आप आ गए, बाद में दिखाते हैं। यहाँ पे हम शादी में आ चुके हैं, ये भी हमारी टीम आई कर दो कैमरा में। हाय, कैसा लगा पहुँच के? बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग राजस्थानी वेडिंग। पहले कम कैसे हो गए? टूट पड़ा आज मिठाई पर, अभी पहले वो देख लेते क्या मिल रहा है। सूट पे जाते हैं ना वैसे ही पहन के, अरे मैं सूट लेके आता चल, लेकिन नहीं आया भाई। शादी वाला मैट्रिक्स का लग रहा है, शादी भी नहीं गए कभी, लग रहा है ऐसा। इनके लिए तुम शादी के हिसाब से तैयार हुए हो, इनके लिए ना? हम उस हिसाब से नहीं हुए हमारी। पापा को सोचो तुम लोग कौन से हो सकते हैं, मुझे पता है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, मिल चुके अपना कुछ कपड़ा पहन रखा है, अपना ही लिया, अपनी थीम, ब्लैक कुर्ता, अपनी थीम भाई, अपनी थीम। अरे ये खड़ा है ना, मैं तो मिला हूँ। खुश रहो बेटे, बहुत अच्छे हैं हम, बहुत अच्छे हैं, तुम खुश रहो सब। देखो बहुत अच्छा। अंकल जी हेलो, बुरजिनी भी ले आओ, संजू रे ये भी मेरे बड़े चाचा है संजू, खुश रहो बेटा, खुश रहो। इन लोगों ने तो खाना शुरू कर दिया है, तो गाइस अभी हम जिनकी शादी उनसे मिलने वाले हैं। इनसे मिल लो भाई, इनसे मिल लो। ये सारी टीम है, नाम में क्या ही रखा है ऐसे। कांग्रेचुलेशन भाई, मिला तो लगे आप सबको, मिला दो भाई। दूल्हा है, बार बार टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से निकाला है टाइम। ये है दूल्हा भाई, प्रदीप नाम है इसका। हो गए सारे की बच्चे हैं, अभी भी बच्चे हैं, बच्चे हैं। पता नहीं पूछूंगा प्रदीप ने यार। भाई घोड़ी कहाँ जाएगी? घोड़ी मुझे नहीं पता यार, गाइस हमें पता नहीं है कहाँ जाएगी, बट अच्छे लग रहे हैं भाई बैठे हुए। जैकेट वाला खड़ा है ना बंदा, हाँ आगे भाई। अभी पूरी टीम जा रही है खाना खाने, कुछ लोगों ने खा भी लिया तभी वो दोबारा खाना खाने जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि खा लिए, एक बार पेल दे दोबारा पेलने जा रहे हैं। तुम्हें सब है पहले कर चुके, इतना मेंटेन कर रखा है, अभी तक मैंने कोई मिठाई नहीं खाई है, थोड़ा सा हलवे को छोड़ के थोड़ा हलवा खाया, पहले खा लेते उसके बाद दिखाएंगे। ओ भाई यहाँ पे सब ने खाना भर लिया प्लेटों में, अजन भाई ने भी ले लिया। अच्छा खाना, मिठाई विठाई नहीं खा रहा हूँ, पहली बार ऐसा की राजस्थान की शादी में मिठाई नहीं खा रहा हूँ। ये मुझे मना रहा है कि तुम क्यों नहीं आए, इसका रीजन भाई सारे लोग बताओ कि मैं क्यों नहीं आया। अर्ज किया है, लखनऊ शादी में आया था, गलती राजस्थान में आ गया मैं।
गलती से आ गया तो गलती से खाना तो तूने जानबूझ कर खाया यहां पे तो खाना तो खा ही सकते हैं जान को हर जाना चाहिए उसका ऐसे नहीं लिफाफा कहां है लिफाफा कहां है लिफाफा कहां है वो किसी तरफ खा गया पहले लिफाफा ही खा गया शादी के लिए किसकी तरफ शादी के लिए शादी ड्रेस लगती है ड्रेस ड्रेस मेरे पास ड्रेस नहीं लग रही किसकी तरफ दोस्तों ये हो रही है दूल्हे दुल्हन की ग्रैंड एंट्री जल्दी 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 वरमाला स्टार्ट होने वाली चलो गाइस वरमाला दिखाते हैं आपको कि राजस्थानी शादी में कैसे वरमाला होती है और यहाँ पे सब ऑल सेट वरमाला के लिए अभी हमारी पूरी टीम की फोटो हो रही है ग्रूम एंड ब्राइड के साथ तो गाइस अभी हम शादी से खाना पीना खा के दूल्हे के साथ फोटो खिंचवा के अब हम खुद की विदाई करने जा रहे हैं अभी हम खुद जा रहे हैं वापस घर पे तो गाइस ये लोग भागते हुए जा रहे हैं यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गाइस हमारी फॉर्चूनर आ गई है रेत में फंसी हमारी फॉर्चूनर गाइस धक्का लगाओ चलो 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 एक दो तीन ये गाइस यहाँ पे देखो गाइस देखो यार पूरी रेत में फंसा हुआ है अरविंद भाई अकेले यहाँ पे ये एक इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं कंटेंट नहीं बेसिकली हम कर तो अपने मजे रहे हैं लेकिन स्टोरी भी बन जाए तो क्या बुरा है तो हम गाड़ियों को यहाँ वी शेप में लगा रहे हैं ऐसे फ्रेंच किस गाड़ियाँ यहाँ पे और गाने फुल फिर नहीं एक इंस्टाग्राम बढ़िया स्टोरी तो भाई फाइनली अनिल भाई अरविंद भाई के घर आ चुके हैं हम लोग होम स्वीट होम ये पुराना वाला लगा रहे ना ये पुराना लगा रहे और ये नया वाला घर है गाइस ये पुराना वाला घर है देख लो मिलियन का हाउस तो गाइस मिलियन से मिलो बहुत बड़ा हो गया अरे ऐसा है ना कि इतने लोग एक साथ देखे ना तब वो करता है अरे मिलियन तो हथियार निकाल के ले ऐसा कर रहे हैं कि नीचे सो जाते हैं ऊपर सो जाते हैं भाई शाही ट्रीटमेंट तो आकांक्षा का है उसको डबल बेड पे सिंगल मिलू देखो हमने डिसाइड किया है कि हम सारे वहां पे लगा के सारे सो रहे हैं लोंडे लोग नीचे लगा लो हम दोनों सो चुके हैं और जो लोग मेहमान नवाजी के चक्कर में घूम रहे हैं ना वो घूम ही रहे ठंडे में अरे मैं सही बता रहा हूँ यहाँ मेहमान नवाजी के चक्कर में मत रहना रह जाओगे बाहर ही जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाओ चलो गाइस गुड नाइट देखो अपना हो गया है और अपना काम बनता तो सो जाए बाहर जनता ज्यादा लेन देन नहीं है सो जाने का बस गुड नाइट थैंक्स फॉर वॉचिंग